वालों की शान क्या होती है दो लफ्जों में आप सुने। हमने आपको सलाम किया, आपने उसका जवाब दिया। तो एक बार जवाब दिए कि दो बार? ये मसला है कि एक बार सलाम एक बार जवाब। आप अगर हमारे मौलाना मेरा शमसी को सलाम करें अस्सलाम वालेकुम और ये कहे वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम, मौलवी रहा पुरानी दवा दी एक सलाम का एक ही जवाब होता है। मगर अल्लाह के वलियों की शान देखी, 9 साल का बच्चा घर के सामने खलियान के पास खड़ा है। ये हमारे मेरा ये मास्टर एजाज साहब बिल्कुल टाइम के पाबंद, मानंदा की तरह मानंदा की। एक बार इस्लामपुर में ठीक 12:15 गाड़ी आ गई, लोग बहुत खुश हुए कि आज गाड़ी सही टाइम से आई है। किसी ने कहा खुश मत हो, ये आज की नहीं कल वाली ट्रेन है। हजरत ने हमसे कहा कब 9 बजे आइए, 10 बजे आपकी तकरीर शुरू, 11 बजे घर चले जाइए और यहाँ 12 बजे के बाद मेरा नंबर आया। बहरहाली हमारे भाई साहब की मोहब्बत सुनिए, तो 9 साल का बच्चा, अब कौन सा बच्चा अभी नहीं बताऊंगा, तो पहले आप समझ। उधर से बूढ़ा आदमी आके कहा सलाम वालेकुम। आजकल ये हो ना बुढ़ा ला जवान लाख सलाम कर पे एकदम। कोई बाप आज बेटा को सलाम करता है नहीं, और कोई ससुर अपने दामाद को सलाम करता है वो तो हराम है समझता। चचा लोगों ने समझा कि अब हम उम्र दराज हो गए, अब लोगों पर फर्ज हो गया कि हमको सलाम करें, हम पर नहीं। मेरे नबी से बड़ा कौन हो सकता है? मेरे मुस्तफा बड़ों को भी सलाम करते थे, छोटों को भी सलाम करते थे। एक बूढ़े बाबा ने 9 साल के बच्चे को सलाम किया। उस बच्चे ने उस बाबा को देखा, बूढ़े मियां को, और चेहरा देखने के बाद सलाम का जवाब दिया तो एक बार नहीं दो बार का वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। उस बूढ़े को भी जल्दी गुस्सा आया कि मैं बूढ़ा होकर सफेद दाढ़ी वाला तुम जैसे छोटे बच्चे को अच्छे खानदान का समझकर सलाम किया था, तुमने मेरे सलाम का जवाब न दे करके मेरा मजाक बनाया है। वो 9 साल का बच्चा जवाब देता है चचा रिलैक्स रिलैक्स, गुस्से में मत आइए। ए चचा सन, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। बोलिए सुभान अल्लाह, और वापस बोलिए सुभान अल्लाह। ये वही अब्दुल कादिर जिलानी है जिसे दुनिया महबूब सुबानी कहती है, कुतुब रब्बानी कहती है, शाहबाज लवाला मकानी कहती है, बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर वही बच्चा है। फरमाते हैं चचा मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, अल्लाह ने मुझे लोगों से मजाक के लिए नहीं, लोगों की हिदायत के लिए पैदा। तो बड़े मियां कहते हैं बेटे अब्दुल कादिर, अगर तुम लोगों की हिदायत के लिए पैदा किए गए हो तो एक सलाम का एक जवाब, तुमने दो जवाब क्यों दिए? वलियों का मर्तबा तो देखिए, 9 साल का चचा जान आज से 8 साल पहले, 8 बरस पहले आप इसी रास्ते से गुजर रहे थे और आपने जाते जाते हमारे घर वालों को सलाम किया। सुभान अल्लाह।
दोपहर का टाइम था, घर के सारे मर्द काम के लिए खेतों में गए थे। कोई मर्द नहीं था जो जवाब देता औरतों के लिए जायज नहीं है कि गैर मुहर्रम की सलाम का ऊंची आवाज में जवाब दे। और उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ था, माँ के पेट में था, मगर तुम्हें देख रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज 9 साल के बाद जब आपने सलाम किया है, तो सलाम करने के बाद जब मैंने आपका चेहरा देखा तो पहचान लिया कि आपके एक सलाम का जवाब हमारे खानदान पर कर्जा है। तो एक जवाब दे करके मैंने वो कर्जा अदा किया है और एक जवाब आज की सलाम का दिया।